ओके दोस्तों, तो थर्ड पार्ट में भी हमें सेम टू सेम यही करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डी की वैल्यू निकालना होगा, जिसके बेसिस पे हमें ये मालूम चल जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास ए बी और सी चाहिए। तो ए की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4, बी की वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 4√3, एंड सी कितना हमारे पास थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास कितना है 3। तो ए बी और सी आ गए, अब हम लोग जस्ट क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो देखिए बी की वैल्यू कितना हमारे पास 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए कितना हमारे पास सिंपल 4 और सी हमारे पास कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ये 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16, एंड ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे 4 जा 12, 12 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 48। सॉल्व करते हैं आगे, तो 48 माइनस 48 कितना हो गया हमारे पास सिंपल 0। तो हमारे पास यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिंपल कितना आ गया 0 आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो दो इक्वल रूट मिलने वाला है, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट करता है। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, ओके दोस्तों, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, हम लोग का ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हमें क्या करना है 1 बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा सिंपल इसको 4 से डिवाइड करूंगा, और अगर इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो सबको हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं सबको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये भी 4 और ये भी 4 और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर, ये 4 से गया तो कितना आ गया सिंपल √3x, और ये कटेगा ही नहीं तो +3/4 एज इट इज, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या बोला है कि हमें यहाँ पे मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म कितना हमारे पास √3, तो √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो सिंपल हमारे पास कितना आएगा √3/2। अब ये हमारा यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर क्या बोला है कि जो हमें वैल्यू मिला है इसको जस्ट हमें क्या करना है इसका स्क्वायर, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3 बाहर निकल जाएगा तो 3 और ये 2 2 4, तो ये आ गया हमारा पूरा सेकंड स्टेप क्लियर। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या बोल कर रखा है कि ये जो हमें वैल्यू मिला है ना इसको जस्ट हमें क्या करना है इज इक्वल टू के इस साइड भी और इस साइड भी हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, और हम लोग जब इसको LHS में ऐड करेंगे तो हमें कहां पे करना होता है मिडिल टर्म के जस्ट बाजू में। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं। अब यहां पे हमें क्या करना है इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो +3/4 और यहाँ पे ये एज इट इज, तो 3/4 एज इट इज इक्वल टू इस साइड हम लोग क्या करेंगे 0 के साथ में इसको ऐड करेंगे तो एज इट इज वैल्यू मिल जाएगा 3/4। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो अब हमारे थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जस्ट हमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, उसके बाद जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सेकंड टर्म चेक करो, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस है, मतलब हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले ए की वैल्यू खोजना है, तो ये हमारे पास सिंपल कितना है x का स्क्वायर, मतलब इसका रूट कितना निकलेगा x। अब b की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना होता है कौन सा, ये तो थर्ड टर्म में कौन सा आपका 3/4, तो यहां पे थोड़ा सा अंडर रूट के बेसिस पे देके रखा, तो मैं यहां पे 3 को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो है मैं यहाँ पे इसको रूट के रूट जो फाइंड करना है तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इस लेवल से लिख सकता हूँ √3 और इसका रूट सिंपल कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या हो चुका है इसका फॉर्मूला बन चुका है। ओके, और ये जो बचा है इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे +3/4 एज इट इज इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या करना है इस एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सबके सब जो भी चीज है उसको हम लोग इज इक्वल टू को सर भेज देंगे, तो मैं सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3/4 तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा और ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -3/4 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में सिंपल क्या हो जाएगा कैंसिल होके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास बच गया कितना सिर्फ और सिर्फ ये। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था एक रूल कि हमारे पास एक्स प्लस इट मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल रूल है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं उसको दो बार एक ही जैसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको भी इसी तरीके से लिख लेता हूं, लास्ट में यहां पे इक्वेट टू 0 कर देंगे। ठीक है,
ठीक है। अब ये हो गया, अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल इज इक्वल टू को उस साइड भेज दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स यहीं पे रह जाएगा और ये जब इज इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो ये प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा आंसर हमारा एक्स, ये इज इक्वल टू को उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा आपका माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो मिला था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि जो हमारा आंसर आएगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए हमारा इक्वल ही आ गया ना, तो सिंपल था ये आपका क्वेश्चन पार्ट थ्री का आंसर। अब हम लोग करते हैं पार्ट फोर। ओके दोस्तों, तो लास्ट पार्ट में भी हमें सेम टू सेम यही करना है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसका रूट जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ठीक है, और वो चेक करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने से पहले हमारे पास सारे के सारे वैल्यू होना चाहिए ए बी और सी का। तो हम लोग को ए बी और सी कहाँ से मिलेगा, सिंपल इस इक्वेशन के अंदर से। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, सिंपल फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है टू, बी हमारे पास सिंपल कितना है सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, तो ये कितना है आपका वन, एंड थर्ड टर्म कितना है हमारे पास सिंपल प्लस फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं ए बी और सी। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या हमारे पास बी की वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज। ए की वैल्यू कितना है हमारे पास सिंपल यहाँ पे टू, तो ये हो गया टू, और सी की वैल्यू हमारे पास कितना है फोर, तो ये हो गया आपका फोर। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो वन का स्क्वायर वन ही रह जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर टू जा एट, एट फोर जा थर्टी टू, तो ये थर्टी टू और ये माइनस का साइन एज इट इज। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास 32 में से 1 गया कितना बचा 31। ओके, और बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस, तो डी की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना आ गया माइनस 31। ओके दोस्तों, तो डी की जो वैल्यू आई है वो सिंपल क्या है, जीरो से छोटा है, और अगर जीरो से छोटा है तो सिंपल इसका कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना वो इमेजिनरी आएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हम यहाँ पहले से बोल के रखा है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मिलते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।